कितना भयंकर एक्सीडेंट। वो कहां सो गया था? भगवान, तुमने मुझे पुकारा? पुकारा तो नहीं, लेकिन तुम पहुंच गए बिना टिकट के लिफाफे की तरह। है? बैठो। ये क्या मजाक है? तुम हमेशा उनके पास पहुंच जाते हो जिन्हें कोई श्रद्धा नहीं तुम्हें, और जिन्हें श्रद्धा है उनका ये हाल होता है। ये खबर पढ़ी है तुमने? यात्रियों की बस जो तुम्हारे मंदिर की तरफ जा रही थी पहाड़ से नीचे गिर गई। 22 यात्री मारे गए और 20 घायल हुए। इन बेचारों को यही दोष था ना, वो तुम्हारे दर्शन करने जा रहे थे। तुमने खबर अब पढ़ी है आनंद, 24 घंटे के बाद। मैं तो बहुत पहले जानता था ये दुर्घटना होने वाली है, फिर भी तुमने रोका नहीं उसे। ऊपर बैठे तमाशा देखते रहे अपने भक्तों की मौत। परंतु सबके सब तो नहीं मरे? सबके सब मर जाते कृष्ण महाराज तो तुम्हारे मंदिर कब के ढेर हो गए होते। आगे भी पढ़ो क्या लिखा है। आगे लिखा है, बस का ड्राइवर नशे में धुत था, उसने बहुत पी रखी थी। और अब भी तुम सारा दोष मुझे ही देते हो? और किसे दूं? मेरे नजदीक तो उस शराबी को चक्के के पीछे बिठाने वाले तुम हो, और उस बस को पहाड़ से नीचे गिराने वाले भी तुम ही हो। और जो बच गए हैं उन्हें बचाने वाला कौन है? वो मैं नहीं जानता। तुम जोश में मत आओ आनंद, ऐसी दशा में बुद्धि टूटे हुए शीशे की तरह हो जाती है, जिसमें हर चीज टूटी फूटी दिखाई देती है। जानते हो वो ड्राइवर कौन था? मैं क्या जानू, तुम ही बताओ। उन्होंने जो पाप किए थे वो शराबी ड्राइवर के रूप में उनके सामने आ गए। दलीलें तुम्हारे मुंह से ऐसे निकलती हैं जैसे मदारी अपनी खाली टोकरी में से कबूतर निकालता। मुझे तुम्हारी बात पसंद आई, परंतु जो ज्ञानी होता है वो शरीर को पिंजरा मानता है और प्राण को पंछी। वो पंछी की आजादी पे आंसू नहीं बहाता जिसे मूर्ख मौत जैसा बड़ा नाम देते हैं। अशोच्यानन वशोचत्वम प्रज्ञा वादांश्च भाषते गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ओफो, तुम फिर संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगे। वो बात क्यों नहीं करते जो मेरे पल्ले पड़ सके? अच्छा, वही बात करते हैं। तुम्हारे कारोबार का क्या हाल है? कारोबार का क्या पूछते हो? जोरों से चल रहा है। मैं दुनिया के हर मुल्क में बड़े बड़े आलीशान होटल्स बनाऊंगा। मेरा सबसे पहला होटल इस वक्त बॉम्बे में बन रहा है। ऐसा शानदार होटल सारे हिंदुस्तान में नहीं होगा? होगा, अगर होगा तो। होगा, जरूर होगा, तुम भी उसे रोक नहीं सकते। मैं कामयाबी के घोड़े पे सवार, और ये दुनिया समझ लो एक सड़क है जो घोड़े के पांव के नीचे पिछी हुई है। जो अच्छे सवार होते हैं आनंद, वो अपने लोभ के घोड़े इतने तेज नहीं दौड़ाते, वो चाबुक से ज्यादा लगाम से काम लेते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ये जरा फोन सुन लूं। हाँ हाँ जरूर, वो शायद गीता उपदेश से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। सुनो। शुक्रिया। सेठ आनंद नारायण स्पीकिंग। क्या कहा? होटल का काम रुक गया है? किसके हुक्म से? ठीक है, मैं आज रात की फ्लाइट से बंबई आता हूं।